आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज हम करने वाले हैं प्राणायाम। प्राणायाम जिसका मूल सिद्धांत ही यही है कि आपके प्राणों को एक आयाम दे देता है। इसका मतलब होता है ऊर्जा। ऊर्जा जो लिक्विड फॉर्म में होती है या फ्लूइड फॉर्म में होती है या ऐसी कोई चीज़ जो अदृश्य होती है, उसको एक बांध दे देना, प्राणों को आयाम दे देना। जैसे आप देख सकते हैं नदी होती है, नदी तब तक बहुत ज़्यादा विचलित भाव में होती है तब तक जब तक उसको एक स्पेसिफिक बैंक नहीं मिल जाता, जब उसको एक आधार नहीं मिल जाता। तो ज़मीन जो होती है, अर्थ, वो एक आधार देती है पानी को, यानी जल को, जिसको हम लिक्विड भी बोलते हैं, शक्ति भी बोलते हैं। प्राण भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। प्राणों को हमको एक रास्ता देना पड़ता है, एक आधार देना पड़ता है, एक डायरेक्शन देनी पड़ती है। प्राण जब ऊर्ध्वगामी हो जाए, इसका मतलब होता है जब वो रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं, तब हमारा असलियत में हमारा जो जीवन है वो सफल होता है। इसका मतलब ये भी है कि हमारे शरीर के अंदर ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें प्राण बहता है, इसी को हम मेरिडियंस भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको मेरिडियंस बोलते हैं, तो जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है उसके अंदर उसको ची पॉइंट्स भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है एनर्जी पॉइंट्स या एनर्जी मेरिडियंस बोलते हैं हम इसको। ऊर्जा केंद्र भी बोलते हैं, नाड़ियाँ बोलते हैं। तो 72,000 नाड़ियाँ हैं। 72,000 नाड़ियों को जब आप सिकोड़ देते हैं, पूरा उसका एसेंस जब निकाल देते हैं, तो 3 नाड़ियाँ बनती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्नी। इसी को हम लोग बहुत अलग अलग भाषा के अंदर पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक ग्लैंड भी सिस्टम भी बोलते हैं, नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये जो पूरा संचार है, ये पूरा नर्वस सिस्टम पर है। नर्वस सिस्टम आपका ठीक से रहता है तो 5 चीज़ें एक साथ अच्छी तरह से चलने लग जाती हैं। कौन सी 5 चीज़ें हैं? जिसके ऊपर हमारा बॉडी, जिसके ऊपर हमारा जो शरीर है बनाया गया है। सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स। ये 5 एलिमेंट्स के ऊपर हमारा जो शरीर है ये टिका हुआ है, और जब इसका बैलेंस रहता है तो जिन तत्वों के ऊपर ये चलता है, वात, पित्त और कफ, ये भी ठीक से चलने लगता है। तो समझ लीजिए कि योग जो है वो शरीर के लिए है, ध्यान जो है वो मन के लिए है, और प्राणायाम जो है इसको, जो दोनों चीज़ों को चलाता है, इन दोनों चीज़ों का जो आधार है प्राणायाम। तो आज हम वही करने वाले हैं। अगर आपको अभी तक समझ में आ गया है कि हमको क्या क्या करना है, ना ये सिर्फ सांस है, सिर्फ सांस का आना जाना नहीं है, वी विल बी बैलेंसिंग इट। इसको बैलेंस करना या इसको एक ऐसे तत्व पर लाना जहाँ पर हमारा शरीर, मन, आत्मा तीनों एक जगह पर रहें, और ये जो एनर्जी है ये तीनों चीज़ों को चलाती है, ये एक आयाम पर बैठ जाए जहाँ पर ये अच्छी तरह से, ऊपर से नीचे तो रहती ही है ये, अब इसको हम नीचे से ऊपर लेकर आने की कोशिश करेंगे, और शरीर के अंदर जो पूरे एनर्जी सेंटर से उसको खोलने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम जब सब नॉर्मली जब सबसे पहला जो प्राणायाम किया जाता है वो है नाड़ी शोधन। कुछ लोग कपालभाति भी करते हैं, कपालभाति भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग नाड़ी शोधन करें। नाड़ी शोधन आप कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खाना खाने के बाद नाड़ी शोधन ना करें या खाना खाने के पहले नहीं कर सकते। नाड़ी शोधन आप कभी भी कर सकते हैं, सोने के पहले करें, सोकर उठने के बाद करें, बेस्ट है वो, रादर देन आप अपना फ़ोन देखेंगे या ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के पीछे जाएंगे। इसीलिए बेस्ट ये रहेगा कि आप जैसे ही उठते हैं आप अपना स्वर देख लीजिए, किस साइड से आपकी जो सांस है वो चल रही है। जैसे लेफ्ट साइड से चलती है तो चंद्र नाड़ी होती है, राइट साइड से चलती है तो सूर्य नाड़ी होती है। जिस साइड से भी आपकी जो स्वर चल रहा है, जिस साइड से भी आपकी सांस चल रही है, उसी साइड के ऊपर सबसे पहला आपको स्टार्ट करना है। तो मान लीजिए आप सोकर उठते हैं, आपको उषापान करना है, यानी आपको पानी पीना है, या आपको पेशाब करने जाना है, और आपको पता चलता है सुबह उठते ही कि आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, तो आपको जो सबसे पहला जो कदम लेना है वो उसी नाड़ी को सोच कर लेना है और उसी नाड़ी का लेना है। इसका मतलब मान लीजिए आपका लेफ्ट साइड का स्वर चल रहा है तो आप लेफ्ट साइड से ही अंदर सांस लेंगे और पहला पैर जो है वो लेफ्ट उठाएंगे। अगर राइट साइड से चल रहा है तो राइट साइड से ही आपको सांस लेते रहने का, कुछ अलग से करना नहीं है, कोशिश नहीं कर रही, राइट साइड से ही चलते रहने दीजिए। इनहेल करके यानी सांस अंदर लेकर आपको जो सबसे पहला कदम रखना है वो राइट साइड का रखना है। उसके बाद आपको जो करना है कर लीजिए। उन सारी चीज़ों से आप निवृत्त होकर, मतलब आपने पेशाब कर लिया, आपको टॉयलेट जाना था, आपको उषापान करना था, हल्का सा पानी पीना था, उसके बाद आप नाड़ी शोधन में सबसे पहले लगते हैं। नाड़ी शोधन जैसे कि मैंने बताया, ये 3 नाड़ियाँ जो होती हैं, शोधन का मतलब होता है उसको साफ करना, उसको ठीक से, उसका जो स्पेस रहता है, आकाश तत्व जो होता है उसके अंदर से उसको बहते जाना है। तो इसको हम स्रोत बोलते हैं। स्रोत का मतलब होता है ऐसी कोई भी चैनल जो हमेशा खुली हुई रहती है, या तो उसके अंदर से खून बहता है या एनर्जी बहती है। तो इन सारी चीज़ों को हम अभी साफ करने की कोशिश करेंगे। कैसे? हम नॉर्मली स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। अब इसके अंदर भी कई लोग सोचते हैं कि मुद्रा का कोई खास लेना देना है, नहीं। आपको सबसे पहले ये ध्यान में देना रखना है कि आप सबसे ज़्यादा इस चीज़ को करने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, रादर देन मेंटेनिंग द प्रैक्टिस, क्या इसका रिचुअल क्या है, इसको कैसे करना है। गाड़ी आप पहले चलाएंगे तो आप पहुँचेंगे, बट आप गाड़ी को बार बार रोक कर देखेंगे कि टायर तो नहीं पंचर हो गया, गाड़ी लेफ्ट से तो नहीं जा रही, लाइन तो नहीं है ठीक से, अगर वो सारी चीज़ें आप देखेंगे, यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन।
तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको गाड़ी चलाते रहना है, यू शुड बी कंसिस्टेंट विद योर एफर्ट, जो प्रैक्टिस है वो करती रहनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ज्ञान मुद्रा ही रखना है, ज्ञान मुद्रा रख सकते हैं। ज्ञान मुद्रा का मतलब होता है सबसे पहली जो उंगली है और आपका जो अंगूठा, ठीक है। तो ये मुद्रा आप रख सकते हैं, आप नॉर्मली भी अपना हाथ रख सकते हैं। ध्यान रखें जितना हो सके तो ईजी रहें, और आप अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रखें, गर्दन को हड्डी को सीधा करें, गर्दन को भी बिल्कुल सीधा रखें। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, दैट यू शुड बी सिटिंग स्ट्रेट, यू डोंट नीड टू चेंज इट, लाइक उसको पीछे मत पड़ जाइए उन सारी चीज़ों को कि नहीं हमको तो एक ही दिन में योगी बनना है। धीरे रहिए, ईजी रखिए। अगर आप चाहें तो, अगर क्योंकि ये जो चैनल है बहुत सारे वयस्क लोग भी देखेंगे, प्रौढ़ लोग भी देखेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप अगर चाहें तो पीछे एक तकिया रख सकते हैं, तकिए को टेक कर अच्छी तरह से दीवार को टेक कर बैठ सकते हैं, जस्ट इन केस यू आर अनेबल टू डू इट। नाउ यू कैन कीप योर हैंड्स जस्ट द वे दैट यू वांट, देयर इज नो स्पेसिफिक रिचुअल अगेंस्ट इट। अगेन व्हेन यू कीप योर हैंड्स, जब हम सांस लेते हैं तो हम लेफ्ट साइड से सांस लेना शुरू करेंगे, 5 बार हम सिर्फ लेफ्ट से लेंगे राइट नॉस्ट्रल को बंद करके। सो वी विल कीप अवर राइट नॉस्ट्रल्स क्लोज एंड वी विल बी इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ओनली फ्रॉम अवर लेफ्ट साइड। सो हम सांस अंदर से भी लेफ्ट साइड से लेंगे और छोड़ेंगे भी लेफ्ट साइड से, उसके बाद हम राइट साइड से 5 बार छोड़ेंगे और लेंगे। काउंट क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ। हाथों की मुद्रा, या तो आप ये दोनों उंगलियों को बिल्कुल ऐसे मोड़ कर जैसे हम मोड़ते हैं वैसे, यू कैन पुट इट इनटू द थिन कैविटी ऑफ योर थम्स, आपका जो अंगूठा होता है बिल्कुल उसके अंदर दबा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये जो शुक्र की जगह रहती है यहाँ पर, आप जगह दबा सकते हैं इसको, इन कीपिंग योर अदर टू फिंगर स्ट्रेट, तो इस तरीके से, ठीक है। जैसे हम बांसुरी बजाते हैं वैसे आपको ध्यान में रखना है, बांसुरी जैसे बजाते हैं, ठीक है, वैसे आप ये दो उंगलियों को मोड़ के, पहले दो उंगलियों को मोड़कर इस तरीके से रख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोई इशू है तो आप नॉर्मल भी रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। या आप कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जो दो उंगलियाँ रहती हैं उसको ये लोग बिल्कुल आंखों के बीच में रखते हैं, ये पलकों भौं के बीच में रखते हैं, और उसके बाद लेफ्ट और राइट इस तरीके से करते हैं। वॉट एवर यू डू इज़ परफेक्टली फाइन। इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप ईजी रहें, रादर देन आप ये सोचें कि मेरा हाथ ऐसा जा रहा है, हाथ पीछे जा रहा है, कमर नहीं सीधी, ईजी होकर करें। तो सबसे पहले हम करेंगे लेफ्ट साइड से आपको ध्यान में रखना है कि आप या तो ये तीन सेकंड का कर सकते हैं, 3 सेकंड के तीन, हर बार आप ओम बोलेंगे, ओम अंदर लेके जाते टाइम पे, और यानी पूरक करते हुए, कुंभक करते हुए और रेचन करते हुए। पूरक मतलब होता है सांस अंदर लेना, कुंभक मतलब होता है रोकना, रेचन मतलब होता है छोड़ना। तो आप लेना देना अभी तो फिलहाल सिर्फ यही करेंगे, जितने भी लोग करेंगे वो सिर्फ अंदर लेंगे सांस और छोड़ेंगे, आपको रोकना नहीं है, कुंभक नहीं करना आपको। तो आप क्या करेंगे, ओम 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 ऐसा 3 बार बोलेंगे, अंदर लेकर जाएंगे सांस, और उसके बाद ओम 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 बोलकर आप छोड़ेंगे। आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं, आप अपना खुद का नाम ले सकते हैं, ठीक है, अमर राम जो भी आपका नाम है, योगेश भास्कर जो भी है, आप उस तरीके से बोलकर अंदर 3 बार लेकर, 3 बार लेकर फिर 3 बार छोड़ सकते हैं। ओम लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ओम बिल्कुल सही एकदम स्पेसिफिक ड्यूरेशन में पड़ जाता है, ठीक है। तो ये आप 5 बार करेंगे, तो 5 बार आप 3-3 बार अंदर लेंगे ओम, आप 5-5 बार भी कर सकते हैं ओम को, विच मीन्स यू कैन डू इट फॉर 5 सेकंड्स। आप 5 सेकंड अंदर लेकर 5 सेकंड फिर बाहर भी छोड़ सकते हैं, 3 सेकंड अंदर लेकर 3 सेकंड बाहर भी छोड़ सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है। सो हम नॉर्मल करते हैं जैसे नॉर्मल प्राणायाम करते हैं, ठीक है, आई एम डूइंग इट राइट बिफोर यू, इस तरीके से। काफ़ी रिलैक्स कर रहे हैं। अब नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि हम अपना जो फ्रंट ब्रेन रहता है, जो हमारा कंट्रोलिंग ब्रेन है, जो हमारा माथा है, इसके पीछे ही एक मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो हमको अच्छी तरह से कंट्रोल करता है, अच्छी तरह से भी और बुरी तरह से भी कंट्रोल करता है, और ये हमारा जो लॉजिक है, तर्क का जो तत्व है, उसको दिन भर चालू रखता है। तो आप अगर हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, उसका रीज़न भी यही है कि आप लोग हमेशा आप अपने जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसको हमेशा चालू रखते हैं, ठीक है। का मतलब होता है हम एक कोई एक स्वर रहता है, कोई एक नाड़ी रहती है, उसको हम हमेशा जीवित रखते हैं, हम उसको शांत नहीं रहने देते। उस वजह से आपको हमेशा कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, ये जितने भी हॉर्मोन्स हैं आपके, उसका बहुत ज़्यादा रिसाव होता है, उसका बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि कुछ लोग कभी भी अच्छी तरह से रिलैक्स नहीं कर पाते, तो ये उसको रिलैक्स करने में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो 5 बार आप लेफ्ट साइड से लेंगे और 5 बार ऐसा करेंगे, इसका मतलब अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, ऐसा 5 बार करना है। ये एक काउंट है, अंदर लेना और बाहर छोड़ना, बिल्कुल उसके बाद आप वैसे ही करेंगे, आपको लेफ्ट साइड से भी वही करना है, उसके बाद राइट साइड से करना है। अब आप राइट साइड करते हुए, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो लोग लेफ्ट साइड का जो हाथ है उसको यूज़ करते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, आप राइट साइड से भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, कोई भी हाथ लेकर आप कर सकते हैं, मुद्रा भी आप कोई भी रख सकते हैं, उसके अंदर कोई हर्जा नहीं है। आपने देखा होगा मेरा जो पैर है वो भी मैं नॉर्मल जैसा होता है, सिद्धासन है, पद्मासन है, आपको जो भी ठीक लगता है आप उस आसन में बैठिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दोनों पैरों की चौकड़ी ही मार कर बैठना है, क्रॉस ही बैठना है, नथिंग लाइक दैट। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, नाड़ी शोधन आपने लेफ्ट साइड 5 बार किया, 5 बार करने के बाद राइट साइड 5 बार किया उसके बाद, और ये सब कुछ करते वक्त आप आंखें बंद रखेंगे, यू विल कीप योर आइज क्लोज। अब हम लोग दोनों नाक से करेंगे, तो दोनों हाथ को नॉर्मल रख लीजिए, दोनों नाक से आपको ओम 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 5 बार जो भी आपको ठीक लगता है, वैसे 3 बार अंदर 3 बार, पर ये काउंट करना है आपको 5 बार, यानी रेपिटेशन जो होंगे वो 5 बार होंगे। कैसे? अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, या 3 बार अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। अब कितना देर लेते हैं, कितना देर छोड़ते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जो भी करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये रेपिटेशंस 5 बार होना चाहिए। इसकी जो पुनरावृत्ति होगी वो 5 बार होगी, उससे कम नहीं है, ठीक है। तो आपने 5 बार नाक लेफ्ट साइड से इन्हेल एक्सहेल किया, राइट साइड से इन्हेल एक्सहेल किया। अब आपने सिर्फ नॉर्मल जो अपना नाक है, दोनों जो आपके स्वर हैं उससे आपने लिया और छोड़, ये आपने 5 बार किया। इसके बाद का जो है, इसके बाद की जो कड़ी है, दोनों कड़ियाँ ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नाड़ी शोधन के लिए, और इससे आप टोटली रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके अंदर आप 5 बार क्या करेंगे, 5 बार आप लेंगे तो सांस नाक से, छोड़ेंगे लेकिन मुँह से। तो इन्हेलेशन होगा नाक से, एक्सहेलेशन होगा मुँह से, ये है 1 काउंट। इन्हेलेशन 1 2 3 या 1 2 3 4 5, एक्सहेलेशन फ्रॉम द माउथ, मुँह से आप छोड़ेंगे सांस 1 2 3 4। ऐसा आप 3 बार या 5 बार करें जो भी आपको ठीक लगता है। तो 3 3 3 3 3 3 या फिर 5 5 5 5 पांच, पांच, पांच। तो जब भी मैं अंदर लेता हूँ और बाहर छोड़ता हूँ, ये एक रेपिटेशन होता है, एक पुनरावृत्ति होती है, एक रेपिटेशन। ऐसा आपको 5 बार करना है, नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है। तो ये थी चौथी कड़ी। इसके बाद जो आखिरी कड़ी है वो आपको मुंह से लेना है, नाक से छोड़ना है। सो यू विल बी इनहेलिंग फ्रॉम द माउथ, एक्सहेलिंग फ्रॉम द नोज। अगेन द काउंट कुड बी 3 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 3 ओम्स, 5 ओम्स, बट द रेपिटेशन हैव टू बी 5 टाइम्स। 5 बार आपको करना है, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। अंदर 3 सेकेंड ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं 3 सेकेंड, अंदर 5 सेकेंड ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं 5 सेकेंड। तो मुँह से लेंगे हम लोग, पाँच नाक से छोड़ेंगे, 5 सॉरी मुँह से लिया मैंने, नाक से छोड़ूंगा अभी मैं, मुँह से लूंगा, नाक से छोड़ूंगा, ऐसा हमको 5 बार करना है, 5 repetitions। पहला हम नाक को लेफ्ट साइड से ही लेते हैं, लेफ्ट साइड से ही छोड़ते हैं, दूसरा हम राइट साइड से लेते हैं, राइट साइड से ही छोड़ते हैं, तीसरा हम नाक के दोनों साइड से लेते हैं, दोनों साइड से ही छोड़ते हैं, चौथा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, नाक से लेंगे मुंह से छोड़ेंगे, नाक से लेंगे। अभी हम बात करेंगे पांचवे वेरिएशन के बारे में। पांचवा वेरिएशन है मुंह से सांस अंदर लेना, नाक से छोड़ना, मुंह से अंदर लेंगे, नाक से छोड़ेंगे। ये है नॉर्मल नाड़ी शोधन। इसके बाद हम करेंगे एडवांस फेज। एडवांस फेज के अंदर क्या होता है, अंदर लेना, सांस को रोके रखना और फिर छोड़ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सांस को अंदर ले रहे थे और छोड़ रहे थे। एडवांस के अंदर क्या होता है,
आप सांस को अंदर लेते हैं, उसको होल्ड करते हैं और फिर छोड़ते हैं। तो पूरक, कुंभक, रेचक, ये तीनों स्टेप्स आ जाते हैं और इसका एक रेशियो रहता है। इसका मतलब मान लीजिए कि आप एक सेकंड के लिए लेते हैं तो 3 सेकंड अंदर रखते हैं, होल्ड करके 2 सेकंड छोड़ते हैं, मतलब 1, 3, 2 ऐसा वेरिएशन रहता है इसके अंदर। मान लीजिए आप 1 सेकंड के लिए सांस अंदर लेते हैं तो 3 गुना मतलब 3 सेकंड अंदर आप रोके रखेंगे, 2 सेकंड छोड़ेंगे। मान लीजिए कि आप 2 सेकंड के लिए सांस अंदर लेते हैं, 2 बार आप ओम ओम बोलकर लेते हैं तो आपको 2, 3 या 6 6 सेकंड या 6 बार जितना आप ओम का काउंट लेते हैं उतने देर तक आपको अंदर होल्ड करके रखना है, 4 सेकंड छोड़ना है। 3, 9, 6 इस तरीके से। तो 1, 3, 2 ऐसा वेरिएशन रहता है। यह है एडवांस फेज। इसके अंदर फिर आप आगे भी जा सकते हैं, जिसको हम सोमा ब्रेथ बोलते हैं, शिवा ब्रेथ बोलते हैं। इसके अंदर आप सांस छोड़ने के बाद भी रोक सकते हैं। अगेन इट इज़ द सेम वेरिएशन। इसका मतलब होता है 1, 3, 2 और 2 ऐसा होता है इसका वेरिएशन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जितना हो सके अगर आप हार्ट के रोगी हैं या अगर आपको हर्निया हैं तो ये जो एडवांस फेज है आप ना करें, धीरे धीरे करें। हर चीज़ को ईजीली लिया जाता है और ईजी किया जाता है। डोंट बी इन अ हरी, डोंट बी चेजिंग थिंग्स। ठीक है, इस तरीके से करना है। जितना हो सके आपको पानी जो है इसके आधे 1 घंटे पहले ही, प्राणायाम के आधे घंटे 1 घंटे पहले ही पानी वगैरह पी लें और शौच वगैरह से निवृत्त हो लें और उसके बाद ही करें। अब बीच में अगर आपको प्यास लगती है तो आप एक बीच में छोटा सा एक घूंट पी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पी सकते। अब हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति इससे पहले भी मैं करा चुका हूँ। ध्यान रखना है, कपालभाति बहुत सिंपल है, आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको नाक से मोमबत्ती बुझानी है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको नाक से ही मोमबत्ती बुझानी है। आपको नाक से सिर्फ सांस छोड़ना है, एक्सहेलेशन करना है, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू बी फोकसिंग ऑन। तो आपको जो एक्सहेलेशन है, सांस जिसको हम बाहर निकालते हैं, वो जो पार्ट है उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और ये किस तरीके से होगा, इससे पहले जो वेरिएशन मैंने दिखाया था वो थोड़ा फास्ट था। ये जो कपालभाति होगा ये एकदम स्लो वेरिएशन, स्लो का मतलब होता है नॉर्मल वेरिएशन। इसके अंदर हम सिर्फ पेट को अंदर एक बार खींच लेते हैं और ये 1 सेकंड 1 काउंट होता है। इसका मतलब होता है, मान लीजिए आपने 1 बार ओम बोला, आप अगर सेकंड्स की कला जानते हैं कि 1 सेकंड 1 कैसा होता है, तो आप 1 सेकंड का ही बिल्कुल जांच करके 1 सेकंड 1 बार छोड़ेंगे। तो मुंह बंद रखेंगे आप अपना, और ये मैं सिर्फ आपको डेमो दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको बहुत मज़े में लेकर, बहुत मज़े में आराम से शांति के साथ आपको कपालभाति करना। दोनों हाथ रख लेंगे आराम से, नहीं स्टार्ट होंगे बहुत अच्छी तरह से आपको। इस तरीके से ये ऐसा माना जाता है कि आपको 60 काउंट्स करने होते हैं, यानी 1 मिनट कर लेते हैं आप, उसके बाद आप 10 सेकंड 20 सेकंड आप आराम से थोड़ी देर तक आप शांति लेते हैं, या आप थोड़ा एक छोटा सा इंटरवल लेते हैं, शांति से रहिए आप आराम से। इजीली आप अपनी सांस को देख लीजिए 10-20 सेकंड और उसके बाद फिर से आप कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये 3 मिनट किया जाता है तो बहुत अच्छा रहता है कपालभाति। आपको अगर डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं तो इसको बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें अपने पेट को, पेट को जितना हो सकता है लचीला बनाने की कोशिश करें। तो पूरा भाव ये है कि आपका जो दोनों ब्रेन है वो एक समन्वय पर आ जाए। आपका एक ब्रेन है वो आपके गट्स होते हैं, पेट आपका माइक्रोबायोम, जहाँ पर एक पूरी कम्युनिटी है आपके साथ में, जिसको हम लोग माइक्रोबायोम गट माइक्रोबायोम बोलते हैं। मतलब ढेर सारे करोड़ों आपके पास पेट के अंदर ऐसे जंतु, ऐसे कीटाणु आप बोल सकते हैं, जिसको हम लोग गट बैक्टीरिया बोलते हैं। ये अच्छा या बुरा आपके ऊपर होता है, अब जितना आपका जो आहार होता है वैसा ही ये जो गट बैक्टीरिया है वो होने लग जाता है। आपका आहार, आपका विहार, आपका विचरण, आपके विचार, ये सारी चीज़ें आपके गट बैक्टीरिया को धीरे 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 ख़राब करने लग जाते हैं। ये जितने जल्दी ख़राब होगा आपको उतनी जल्दी बुढ़ापा आएगा। ये नहीं ख़राब होगा, आप ज़िंदगी भर, आप जितने भी साल तक ज़िंदा रहना चाहते हैं, नॉर्मल औसतन अभी जो उम्र है, जो आयु है, वो मानी जाती है 60 to 70 years। ऐसा भी वक्त था जब लोग 100, 150, 300 साल भी जीते थे और वो बहुत स्ट्रांग होते थे। द रीज़न वॉज वेरी सिंपल, उनका जो आहार है वो बिल्कुल सात्विक आहार होता था, यानी इसका मतलब होता है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, यही सब कुछ होता था। तो आप जितना हो सकता है प्लांट्स का, जो प्लांट बेस्ड फूड है वो खाएं, जितना हो सके उतना। ठीक है, तो आपका जो गट बैक्टीरिया वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सिर्फ आपको मसल्स ही नहीं बनाने हैं, आपको एजिलिटी भी चाहिए, आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, लॉन्जिविटी भी चाहिए, इम्यूनिटी भी चाहिए, बहुत सारी टीज चाहिए, राइट। तो वो जब नहीं होती तो बाकी जितनी भी बीमारियाँ होती, कंजंक्टिवाइटिस और टिनिटिस, ये जितनी भी इटिस रहती हैं ये सारी की सारी आ जाती हैं। कब होता है ये, जब आपकी इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है।
तो आप ये सारी चीज़ों के ऊपर अगर ध्यान रखेंगे, आपका आहार विहार विचरण, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके ऊपर ध्यान रखिए, बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का जो प्राणायाम था ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले नाड़ी शोधन करें, उसके बाद आप कपालभाति करें। कपालभाति 40 काउंट्स भी होंगे, 40 सेकंड तो भी ठीक होगा। 30 सेकंड करने के बाद भी आपको 10 सेकंड का अगर आराम लेना है कोई बात नहीं, ये आपके ऊपर है, डोंट फोर्स योरसेल्फ। आपका पेट जितना नीचे से ऊपर खींच सकते हैं आप, उतना अच्छा होगा, बिकॉज यू विल बी एबल टू मेक योर स्टमक मोर फ्लेक्सिबल। आप अपने पेट को उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना सकेंगे। जितना आपका पेट लचीला होगा उतना आपका पाचन संस्थान और अच्छा होगा। आपको ब्लोटिंग, गैस के इश्यूज, आपको गठिया के रोग, अपान वायु जो होती है जो सुबह निकल जाती है हमारी, उसके ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ठीक है। और आपका जो फ्लूइड सिस्टम है, आपका जो शरीर है वो फ्लूइड की तरह होना चाहिए, राइट। आपका जो शरीर है एकदम लचीला होना चाहिए। जितना ज़्यादा लचीला होता वो फिर उतना फैट्स को नहीं स्टोर करता, उतना उसके अंदर वसा कम जमती है, और आपका शरीर जो है तरल होता है, सरल होता है, मन भी सरल हो जाता है, चंचल नहीं होता। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। प्राणायाम करते रहिए, योगासन भी कीजिए। सो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। एक्टिविटी ही ना हो रिलैक्सेशन भी हो, रिलैक्सेशन ही ना हो एक्टिविटी भी हो, सो ये दोनों चीज़ों का समन्वय बना रहना चाहिए, तो आप हेल्दी हो, राइट। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहूँगा आप लोगों का, बहुत ध्यान से इतने प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।